Well, good evening friends and welcome to another video of Kya Market Gurukul. So, ye jo video hai, this would be an expose video in a way that ye BCD trader, ye banda, ye B-field, kabhi nahi sudharega. He won't mend his habits and continue to fool innocent people by showing big profits and manipulating the statements on comment. Ye aise aise comment karke कुछ भी मत किया कर कुछ सब कुछ दिमाग से कर बस दम है तो मेरे जैसे लाइव करके दिखा एक करना चला जाकर तो ये ऐसे ऐसे जो कमेंट्स हैं ऐसे जो चीज़ें हैं यही चीज़ बस वो कर सकता है क्योंकि वो एक तरीके से अंधभक्त को बाबा जी का ठुल्लू जिसको भरोसा है उसने जम के कमाया अंधभक्त को बाबा जी का ठुल्लू तो ये जो चीज़ है वो आपको बस इस तरीके के यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें प्रॉफिट्स बूम ये सब करके यहाँ पे दिखा के अट्रैक्ट करेगा और अभी भी आई एम वेरी सरप्राइज आफ्टर ऑल दिस इसके यहाँ पे जो है मेंबर्स आर स्टिल इंक्रीजिंग सो व्हिच इज़ वेरी सरप्राइजिंग क्योंकि आप पता नहीं अब क्या बोल सकते हैं हमारी इंडियन जनता ही बहुत भोली है और एल्स वी कैन से दैट दिस पीपल दे जस्ट लुक एट प्रॉफिट्स दे जस्ट लुक एट ट्रेडिंग फ्रॉम द पर्पज ऑफ प्रॉफिट्स एंड दे नॉट लुक एट हाउ बेस्ड ऑन लॉजिक और द प्रोसेस तो जस्ट जब बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिखते हैं वो देखते हैं अरे वाह 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 बहुत बढ़िया अगर ये बंदा इतना कमा लेता है बहुत सारा तो आपको पता है कि ही वुड हैव लिव्ड अ वेरी वंडरफुल एंड एक्सेलेंट लाइफ और यहाँ पे जो इतना मेंटरशिप और इतना इसके पीछे 5,000-10,000 रुपये लेकर आपको उतने पीछे उसके पीछे नहीं भागता तो अल्टीमेटली जो है यहाँ पे हम क्या एक्सपोज़ कर रहे हैं वो आपको बताएंगे एंड दिस इज विद प्रूफ वी डू नॉट एलेज एनीबडी और हम कोई यहाँ पे रूमर या फिर हाँ ये बंदा ऐसा करता होगा इस पे वी डोंट जस्ट यहाँ पे क्लिक बेटिंग के लिए वी हैवंट क्रिएटेड दिस वीडियो द वीडियो वी हैव क्रिएटेड इज फॉर द पर्टिकुलर पर्पस टू मेक यू अवेयर एंड जो है वहाँ पे हम प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे विल शो इट विद प्रूफ व्हाट हैज इज करेंटली हैपनिंग इन दिस इंडस्ट्री एंड कहाँ पे हाउ easily people are being manipulated so चलिए वीडियो शुरू करते हैं और उम्मीद है कि जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको वो चीज से आपको सीखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सेक्शन हमारा कि वीसी की फिर से बच गई सीटी अब इसकी सीटी कैसे हो तो हम चलो सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं देयर इज नो पॉइंट इन यू कैन से कि बीटिंग अराउंड द बुश सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है दो स्क्रीनशॉट्स आपको सामने दिख रहे हैं राइट हम टेलीग्राम ग्रुप में भी लाइव आपको दिखाएंगे यहाँ पे एंड ये जो है यहाँ पे जो भाई यहाँ पे वीसी ट्रेडर का यहाँ पे ये अकाउंट और ये सब है डेट के साथ आपको वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल को एंड जस्ट पहले डिफरेंस आप देख लीजिए ये जो डिफरेंस है अराउंड टाइम फ्रेम भी बिल्कुल सेम है सब कुछ सेम है लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स एंड ये सब टाइम फ्रेम जो है और क्योंकि अलग अलग ऐसे भी स्क्रीनशॉट है आप बोल सकते हो अलग अलग टाइम फ्रेम पे इसका स्क्रीनशॉट ले इसके आपको जो व्यू वो है वो भी अलग दिख रहा है आपको राइट अब यहाँ पे ये देख लीजिए 10:56 राइट 10:56 को यहाँ पे दिया है बाय पी बैंक निफ्टी का जो पी है वो बाय करने बोला है और उसके बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है 170 का 10:58 अब देख सकते हैं कि उसके बाद अचानक से सेकंड स्क्रीनशॉट में कुछ तो भी मिसिंग है तो यहाँ पे अगर हम मैं आपको क्लियरली अगर दिखाऊंगा तो ये वाला जो हम बोलेंगे कि ये वाला जो एक तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा है SL170 अगर मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ राइट तो अगर मैं इस वाले में जाता हूँ तो अगेन इस वाले में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी इसके बाद सीधा आपको बताया कि होल्ड की बैंक निफ्टी शॉप तो उसके ये वाला जो कमेंट है वो डिलीट कर दिया गया था जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन यहाँ पे वो है
कि ये हिट हो गया। तो हम यहाँ पे मूवमेंट देखेंगे। अब यहाँ पे हम जाते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे लाइव, जो डेट थी अराउंड लास्ट फ्राइडे था वो, एंड अराउंड 30th नवंबर को था, राइट। तो भाई साहब ने चलो जो भी है वो सब चीज है, एंड उसके बाद जो है ये बैंक निफ्टी होल्ड करने वाला थी 29 को, एंड उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने जो यहाँ पे वो दिख रहा है आपको, जो पहले जो था जो पी का जो होल्ड जो स्टॉप लॉस का स्क्रीनशॉट था वो यहाँ पे डिलीट कर। ये एक्चुअली हमें भेजा गया था कि अराउंड जो पहले हमारे कुछ हमारे मतलब जो मेंटीज है उन्होंने ही हमें भेजा था, जो फ्रेंड्स हैं हमारे, तो उन्होंने हमें भेजा था। और उसके बाद जो है अकॉर्डिंगली ये पहली बार नहीं हुआ है, उन्होंने बोला कि 2-3 बार ऐसे हो चुका है कि पहले कोई स्टॉप वहाँ पे डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आइगुल हाउसिंग फाइनेंस का भी, जहाँ तक मैंने खुद वहाँ पे नोटिस किया था और बताया गया था, तो उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था उस टाइम, बट यहाँ पे आइगुल हाउसिंग फाइनेंस का, हाँ ये जो प्राइस था, तो आइगुल हाउसिंग फाइनेंस का यहाँ पे एक कमेंट था इसके बाद, जहाँ पे लिखा था कि वी एग्जिटेड एट 708 point something, और उसके बाद जब वो प्राइस नीचे आ गया एकदम से डिप हो गया, तो वो एकदम से वहां से जो है उसको वो हटा दिया गया कन्वीनियंटली, और यहाँ पे लिखा गया बुक प्रॉफिट एज पर योर ग्रीड। तो ये देखिए इतने जल्दी अगर आप वहां पे बस पॉजिटिव चीजें दिखा रहे हैं, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे गलत का, तो ऐसे लोग क्या मतलब आपको सिखा पाएंगे। ये प्रॉफिट जो नीचे 1-1 लाख के जो बना रहे हैं वो भी अब पता नहीं कि वो भरोसे में है कि नहीं है, क्योंकि जनरली आप देखा जाए कि ये बंदा अगर इसका ट्रेडिंग सेल देखा जाए तो ये कॉल और पुट जो है दोनों बाय करता है, और उसके बाद फिर जो एक जो चीज़ है वो उसको अगर किसी डायरेक्शन में जाता है तो दिखाता है कि मतलब चलो मैं इसको स्क्वायर ऑफ करता हूँ या फिर यहाँ पे मैं दूसरा उसको राइट करता हूँ। यहाँ पे कॉन्फिडेंटली एक ही जो है बाय किया, अच्छा प्रॉफिट है तो दिखाया एकदम बढ़िया, और बीच बीच में तो गायब रहते हैं, चलो भाई ट्रैवलिंग रहते हैं जो भी है, बट स्टिल जो ऐसे यहाँ पे टेलीग्राम में जो मैनिपुलेशन हो रहा है, हमें तो ये प्रॉफिट्स का जेन्युइनिटी मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट ये जो यहाँ पे जो टेलीग्राम में इजीली जो यहाँ पे मैनिपुलेशन कमेंट्स ऐड डिलीट वो सब हो रहा है, तो वो इट्स नॉट डन इन द राइट स्पिरिट, और ये आपको फूल करने के लिए इजीली मतलब वहाँ पे फूल कर दे। तो हम फायर्स में एक बार बैंक निफ्टी का देखते हैं कि बैंक निफ्टी उस दिन कैसा मूव हुआ था विद टाइम स्टैम्प, तो आपको फिर अच्छे से आइडिया आएगी। तो नवंबर फ्यूचर्स तो चलो नहीं मिलेगा, हम दिसंबर फ्यूचर्स का ही मूव देख लेंगे कि उसमें जो है उसके बाद कैसा वो वहां पे मूव आया था। तो मैं वीडियो को 2 सेकंड के लिए पॉज करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कमेंट दिया था, अगर हम कमेंट का टाइमिंग देखेंगे तो ये कमेंट का टाइमिंग 10:57 बाय दिस पी 180 का जो था, ठीक है, तो अराउंड 26.88 का जो पी था वो था। तो अब 10:56 मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस कैंडल के बाद जस्ट यहाँ पे मतलब जो था ये मूव जो अराउंड नीचे जो फर्स्ट गया था, तो वहाँ पे आपने 10:56 लिया, उसके बाद देख सकते कि सडनली अराउंड 50 points का रिवर्सल आ गया। तो डेफिनेटली 50-60 points का रिवर्सल आ गया, तो जो आपका पुट है, पुट का जो 10 रुपये का स्टॉप लॉस था अराउंड यहाँ पे जो 10 रुपये का स्टॉप लॉस था वो तो 100% हिट हुआ, वो तो हमने देखा भी था 165-6 के अराउंड वो आया था, तो वो हिट हो गया। बट उसके बाद क्योंकि हिट हो गया, देखा कि बाद में मूव वापस नीचे आ गया बैंक निफ्टी यहाँ से लगा के, तो भाई साहब ने यहाँ से वो डिलीट कर दिया और बोला कि होल्ड बैंक निफ्टी शॉर्ट और पी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो था इजीली मतलब यहाँ पे होल्ड बैंक निफ्टी शॉर्ट पी, यहाँ पे इजीली जो उन्होंने मैनिपुलेट करके यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट्स वहाँ पे मतलब जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में उसे डालते रहे। तो अगर ये यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर वो सब, तो बंदा इतना मतलब जो है लोगों ने उसको इतना बेचारे गाली देने के बाद समझाने के बाद मुझे लगा कि अब ये सुधर जाएगा, वापस आ रहा है, चलो कम बैक कर रहा है, तो वेरी गुड, बट नो, स्टिल जो एक बार मतलब वो बोलते हैं ना कि जो जो हमारी दुम रहती है डॉग्स की वो तेवी रहती है, तो आप कितना भी कर लो उनको सीधा वो दुम कभी सीधी नहीं होगी। तो यहाँ पे मुझे लगता है यही केस है, एंड आई डोंट नो उनका मेंटरशिप का क्वालिटी क्या है आई डोंट केयर, बट जो यहाँ पे ये जो चीज़ें हो रही है दैट इज नॉट इन अ वे प्रॉपर। तो आप बस अच्छी पिक्चर दिखा रहे हो विच इज नॉट द गुड, आप ट्रेडिंग को बस प्रॉफिट से लिंक करते हैं, दैट इज द मोस्ट डिजास्टर्स थिंग जो मुझे यहाँ पे दिखता है लोगों की इसमें मेंटेलिटी की, बस वो प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स प्रॉफिट से देखते हैं, प्रोसेस नहीं देखते,
बस उनके पीछे भागते हैं जो बड़े बड़े प्रॉफिट्स करते हैं। अरे भाई, जो अगर यूट्यूब पे इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स करके अगर एडवर्टाइज कर रहा है, तो आप सोचिए कि वो क्यों, मतलब इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट करेगा अगर वो दिन के 2 लाख 3 लाख 1.5 लाख कमा रहा है। तो बंदा, आप खुद ही सोचिए ना, मतलब ही वुड हैव डेफिनेटली लिव्ड दिस लाइफ वेरी हैप्पीली एंड वो ऐसे ही करोड़पति बन जाएगा। तो वो बेचारा 10,000 के लिए, 5,000 के लिए, मेंटरशिप के लिए इतना क्यों उसके पीछे होंगे। तो वन रीजन वही हो जाता है कि उनको बस जो है जेन्युइनिटी वहां पे आ जाती है, वहां पे क्वेश्चन में, कि नहीं पता कि वो लोग अब कैसे रियली जेन्युइन। और मेजर पोर्शन जो होता है ऐसे लोगों का, जो व्हाट आई फील इज दैट द मेजर पोर्शन ऑफ द इनकम कम्स फ्रॉम द कोचिंग बाय जस्ट शोइंग दिस प्रॉफिट्स एंड, वो पता नहीं जैसे भी प्रॉफिट्स होते हैं, बस शोइंग दिस प्रॉफिट्स एंड कोचिंग करके आपको ये प्राइस एक्शन 10-15 हज़ार ये सपोर्ट रेशन ड्रॉ करना सिखा देंगे कि हाँ भाई चलो यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है एंड यहाँ पे ये चीज है, और फिर आपको बस बता देंगे। इसलिए हम जो हमारा एटलीस्ट जो चैनल, हम कभी कॉल्स वहां पे देते नहीं, बिकॉज वी डोंट बिलीव इन गिविंग कॉल्स। कॉल से कोई मार्केट में कोई पैसा नहीं कमा सकता। आप खुद सीखिए, आपके पास अगर टाइम होगा तो आप सीखिए, नहीं तो आप फिर ट्रेडिंग जो है वैसे मत कीजिए। अगर आपके पास जॉब है, टाइम नहीं होगा तो आप पोजिशनल में ज्यादा ट्राई कीजिए, इंट्राडे मत कीजिए टाइम नहीं होगा तो। बट यहाँ पे जबरदस्ती, यहाँ पे इतना मतलब मार्केट में बस आप यू डोंट डोंट नीड टू जस्ट कम हियर एंड जस्ट थिंक अबाउट ओवर आई बिकम अ करोड़पति, आई अर्न गुड प्रॉफिट्स। फर्स्ट वर्क हार्ड, लर्न बाय योरसेल्फ। अगर मेंटर चाहिए तो फाइंड अ गुड मेंटर, नॉट चूज अ मेंटर जस्ट ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। दैट वीडियो विल मेक इज प्रॉफिट्स प्रोपोर्शनल टू अ क्वालिटी ऑफ द मेंटर। अभी बहुत सारे मेंटर्स है जो ऐसे आई नो हु डायरेक्टली टीच फ्रॉम अ प्राइस एक्शन बुक्स, बस वो बुक जो है वो आपको उसका जो है वर्बेटिम वैसे सिखाते हैं, वैल्यूएशन की तरफ से कुछ नहीं होता। तो अल्टीमेटली जो है इट्स अ प्रोसेस, डोंट रन आफ्टर प्रॉफिट्स। आप अगर नए मार्केट में, आप कोई भी इफ यू डू सम कोर्स, यू डू इट, यू टेक सम टाइम, राइट? इफ यू डू अ ग्रेजुएशन, आपने इंजीनियरिंग किया, एमबीए किया, तो आपने कर लीजिए एक प्रोसेस फॉलो किया होगा, तो वो प्रोसेस को फॉलो कीजिए, जस्ट फॉलो अ प्रोसेस एंड उसके बाद उसको टाइम दीजिए। धीरे धीरे आपका अकाउंट बढ़ेगा स्टार्टिंग में, बट एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर उसके बाद बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा आपको। बट उस प्रोसेस तक, जब तक आपको अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं आता, तब तक यू हैव टू हैव पेशेंस इन द मार्केट, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मार्केट। अब दिस वे इफ यू सी, वी हैवंट टेकन एनी व्हाट वी कैन से एनी पोजिशंस दैट आर वेरी व्हाट वी कैन से एग्रेसिव एनीथिंग, बिकॉज मार्केट थोड़ा सा वियर्ड था, वैसे ऐसे मूव्स आ रहे हैं मार्केट में, कहीं भी कुछ भी आ रहे, तो हमने फिर उस टाइम मतलब एज ए वी डेंट want to risk much quantity, that is a part of the game. So that's why जो है we also have told जो भी partners हमारे associated है कि आप इस पर light कीजिए इस हफ्ते trade, क्योंकि market event overhead की वजह से, election की वजह से इतना आपको direction नहीं देगा, and ये सी weird candles और वो सब जो ऐसे event overhead की वजह से जो volatility आ रही है, तो इट्स बट कि आपको सेटअप मिलते हैं कभी तो अच्छा है, बट ऑलवेज ट्राई टू प्रिजर्व योर कैपिटल फर्स्ट एंड डोंट जस्ट फॉल फॉर द कॉल्स एंड जस्ट डोंट फॉलो फॉर दिस। वहां पे आपको जाएंगे जहाँ पे आपको लॉजिकल एंड वहां पे जेन्युइनिटी बंदे में मिलती है। द मेंटर वो इज डेफिनेटली, अगर वो अच्छा मेंटर होगा तो वो आपको गाइड करेगा अच्छे से एंड ही वुड बी विथ यू। ऐसे आपको बस प्रॉफिट्स दिखा के ही वोंट इन्फ्लुएंस। तो होप ये वीडियो देख के आपको अवेयरनेस मिली होगी, कुछ आपको सीखने को मिला होगा एंड यू विल एटलीस्ट टेक सम अप्लाई सम लॉजिक वाइल बिफोर चूजिंग अ मेंटर। और ब्लाइंडली किसी पे भरोसा नहीं करेंगे, राइट? एंड आई होप ऑल द बेस्ट, ट्राई टू लर्न बाय योर सेल्फ एंड देर आर मेनी रिसोर्सेज विच यू कैन एक्सेस, बट यू शुड बी एबल टू नो हाउ टू यूटिलाइज दैम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू।